आओ चलें देश को और शक्तिशाली बनाएं। नई दिशा, नई क्रांतिकारी, 21वीं शताब्दी की दौर चल रहा है। हम सबसे पहले मेरा देश, तब हम सब। राष्ट्र की नई निर्माण करें और शक्तिशाली देश बनाएं। नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, क्रांति लाएं। देश के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलें। देश में प्रगतिशील लाएं। चांद तारों से भी हम सब की सोच आगे बढ़ रही है और हम बढ़ते कदम को सल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह देश के रक्षा, सुरक्षा और फौजियों और देश के वैज्ञानिकों को समर्पित करता है आज सुबह टाइम्स टीम। मेरा नाम है भोला दत्त खंची। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ काफी जो है एनवायरनमेंट के लेकर काफी जो है आप यहाँ आम वगैरह लगा रहे हैं जी, जी। तो क्या बताना चाहते हैं आप, कितना प्रशंसा योग्य हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है। इस तरह के आप जो है काम करते हुए एनवायरनमेंट को लेकर और लोगों को सीख दे रहे हैं, और आपका तो सबसे पहले धन्यवाद कि आप ये आम लगा सकते हैं। मैंने ऐसा कहीं नहीं। धन्यवाद सोनी जी। एक्चुअली क्या है कि मुझे शुरू से किचन गार्डन का एक बड़ा शौक रहा है, क्योंकि दिल्ली में तो स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन जितना भी होता है उसमें हम कैसे जो है आजीविका के साधन सुलभ करें और कैसे पर्यावरण को जिंदा रखें, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं शुरू से, जब चाहे मैं कॉलेज में रहा हूँ और चाहे मैं कहीं भी रहा हूँ, जहाँ चाहे कितना बड़ा स्पेस है, 50 गज में रहा हूँ या 100 गज में रहा हूँ या किस में रहा हूँ, लेकिन मेरा ये उद्देश्य रहा है कि एक किचन गार्डन होना चाहिए। किचन गार्डन से क्या होता है कि एक तो सबसे पहले कि जो वाटर का मिसयूज है वो नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि जो बासी पानी होता है या कपड़े धोने के बाद या कैसे होता है, हम उसको इस प्लांट में उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि वाटर शॉर्टेज ना हो दिल्ली में, क्योंकि पानी जल ही जीवन है, तो जल जो है वेस्ट नहीं जाना चाहिए। पहला तो ये, तो मैं इसमें किचन गार्डन जो है एक बना के रखता हूँ, और मुझे जो है बड़ा शौक है इसका, किचन गार्डन का और पेड़ पौधे का। मैं जो है एक किस्म से जो है प्रकृति प्रेमी हूँ। मुझे इसका जो है बहुत, मुझे जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, जितने पौधे हैं या पेड़ हैं, उनसे बड़ा लगा है मुझे। तो मैंने, मेरा एक टंकी ख़राब हो गई थी पानी के ऊपर, ऐसे तो मेरे पास कई गमले थे, मेरे पास कम से कम 30-40 गमले हैं छत में, मैंने कुछ आगे रखे हुए हैं कई, मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। लेकिन एक मेरा जो है एक टंकी टूट गई थी पानी की, वाटर टैंक जो है छोटी टंकी है, तो उसमें मैंने क्या किया कि मेरे बच्चे ने वहाँ एक आम डाल दिया उसमें, मिट्टी डाल के, और वो तकरीबन हो गया मेरे पास, पेड़ को हो गए कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, और ये हर साल तकरीबन ये चार साल के बाद या 5 साल के बाद ये फसल देना शुरू किया था उसने, और आज भी ये तकरीबन कोई 5-6 साल से, 5-6 साल से इसमें बहुत तकरीबन इसमें कोई 20-30 किलो, 20-30 या 30 केजी करीब इसमें मैंगो मिलता है हमें, और हम उन मैंगो को स्वयं नहीं इस्तेमाल करते, हम उसको एक प्रसाद स्वरूप लोगों में वितरित करते हैं। सभी जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, सबको हम एक एक दो दो, चाहे हम कितना भी दें, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत मीठा है ये आम, इतना शानदार आम है, इतना अच्छी क्वालिटी है। ये आप वहाँ पहाड़ी से ले गए कि यहीं से आपने परचेज की? ये एक्चुअली ये लखनऊ की वैरायटी है, लखनऊ से हमारा जो है वो है लखनऊ साइड से, जो लखनऊ का मशहूर आम है वो ये क्वालिटी है। ये कच्चाई जो है आम, ये मीठा होता है। क्या नाम है जानते हैं सर? नहीं, मैं जानता नहीं, लेकिन दसहरी टाइप है, दसहरी जैसे होता है, हाँ दसहरी टाइप आम है, लेकिन एक कच्चाई फल जो है इसका बड़ा टेस्टी होता है। ये तो बहुत मोटा होगा, हाँ दशहरी है, हाँ मोटा होगा, और ये काफ़ी जो है कम से कम ये 250-300 ग्राम का ही काम होता है इसमें। हालांकि पौधा बहुत छोटा है, लेकिन इसमें जो है ये 250-300 ग्राम का एक फल होता है इसका, और ये 30-40 किलो हमें आम देता है, हम जिसका लोगों में वितरण करते हैं। और ये शौक मुझे नहीं, तमाम लोगों को इसका जो है अपने उसमें किचन गार्डन का वो कर, एक मैं एक कॉलोनी के लिए ज्वलंत उदाहरण भी हूँ, और मेरा देखा देखी में मुझे देखते हुए लोगों ने, कई लोगों ने अपने छतों में बगीचे कर दिए। जैसे आप सामने देख रहे हैं, सामने बगीचे हैं, लोगों ने कुछ ना कुछ प्लांट जो है लगा रहे तो मेरी देख रेख में कि भाई उनके यहाँ ऐसा होता है तो हम भी करें। ये होता है, एक दूसरे के देख रेख से जो है आदमी तरक्की करता है। तो मेरा ये हमेशा रहा है, मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ और मुझे इसका बड़ा शौक है जी। ये मैं भजनपुरा में हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, खंसाली साहब के छत पे हूँ, और लगातार आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट का जिस तरह से जलवा, इनके अंदर एक रुझान पैदा हुआ, और ये भी खास बात है कि जिस तरह से छत पर एक आम का पेड़ देखा गया,
आम का पेड़ का मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पर आम भी देने लगा है और साथ में मधुमक्खी पालन भी है। कितनी जो है प्रशंसा योग्य है कि आम भी दे रहे हैं और लोगों को अपना ही नहीं खाते, सबको भी देते हैं प्रसाद के रूप में। तो खंसाली साहब भी जिस तरह से देख रहा हूँ कि इसमें अब वो मतलब लग रहा है 4 जून-जुलाई तक का जो है आम पैदावार हो जाएगा, तो क्या हमें भी खिलाएंगे क्या? जरूर, अब इसमें बौर शुरू हो गई है और अभी आप कुछ दिन में आएंगे, 10-15 दिन में आएंगे तो बौर से लबालब होगा। जी जी, तो उसके बाद आपका स्वागत है, आप आइए और आपको भी जैसे जैसे फल पकेंगे हम आपका स्वागत करेंगे, है ना, आप भी उसका एंजॉयमेंट लेंगे। बहुत अच्छा, तो आपने क्या क्या आम लगा रखे हैं पौधे वगैरह, क्या चीज़ है? किसी गमले में मैंने पौध रोपण किया है जिसको बोलते हैं केनो। हाँ, केनो के 3-4 पौधे हैं। अब मैं इसके लिए लाऊंगा, क्या नाम कहते हैं, इसके लिए मैं गमले लाऊंगा और इन गमलों को सेपरेट करूंगा। ये नींबू है नहीं, ये सब जो है, ये तीनों प्लांट जो है, चारों प्लांट जो है ये केनो के हैं। तो ईश्वर ने चाहा तो फिर अनाजी थोड़ा इधर है। हाँ, ये किस चीज़ का है? ये प्लांट है, ये पहाड़ी प्लांट है। अच्छा, ये कई चीज़ें मेरे पास ऐसी चीज़ें जिनको कि हमें प्यार है, अपने पहाड़ी चीज़ों का हमें प्यार है। इसको हम क्या करते हैं कि जब हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है, जैसे लड़की की शादी, लड़के की शादी, तो उसमें हम जो है इनको वर वधु को नहलाने के लिए इनका एक शुभ माना जाता है, और इसको हम कूट के फिर उसको जो है उसका रस निकाल के और उसमें कुछ और चीज़ें मिलाते हैं, हल्दी इत्यादि जो है, आम हल्दी वगैरह, और उसको वर और वधु को स्नान करा के और इससे उनका रंग में निखार आता है। तो खंसाली साहब, मैं देख रहा हूँ कि इतना मोटा हो गया, कितने साल का पेड़ है आपका? ये हो गया तकरीबन 8 साल हो गए, लगभग 8 साल हो गया। तो क्या और ये मोटा होगा, कितने ही रहेगा? नहीं, फिलहाल क्या है कि इसका जो है नीचे एक जाल सा बन गया है, और क्योंकि ये नीचे जा नहीं सकता, छत के ऊपर है, तो अब ये जो है ऊपर को बढ़ेगा, नीचे को नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन फल में कोई फर्क नहीं इसका। अच्छा, फल इसके बहुत अच्छे फल। खाद वगैरह क्या क्या डालते हैं? खाद हम इसमें, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट फ्लोर से मैंने इसको ट्रांसफर किया है, तो क्या हुआ कि जब मैंने इसको शिफ्ट किया ऊपर थर्ड फ्लोर में, तो इसकी जड़ें, इसका जो मेन जड़ थी वो टूट गई थी। अच्छा, तो मुझे बड़ा हृदय में बड़ा दुख हुआ कि यार कहीं ऐसा ना हो कि पौधा मर जाए। तो हमने उसके लिए फिर जो है डॉक्टर से, जो है जो साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर, वहाँ गया, उनसे पता किया, उनने फिर कोई एक सजेस्ट किया कि एक चीज़ डालो, और हमने खाद डाली इसमें और उससे एकदम जड़ पकड़ गई और आज ये फल दे रहा है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम इसके फल खाते हैं कि हमारी मेहनत जो है सफल हो गई है। जी, ये खंसाली जी का जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना हौसले बुलंद है कि आज भी जो है कुछ ना कुछ कर गुजरने के लिए खड़े हुए हैं। 90 साल के हो गए हैं लेकिन आज जो है इनके अंदर एक जज्बा है, जुनून है सेवा भाव करने के लिए। और अब जिस तरह से इन्हें बता रहे हैं कि मैं छत पर आम लगाया गया है और आम जो है 7-8 साल का है और उसमें फल भी देता है और मेरे आगे इसमें बौर भी लग गया है जिसे कहते हैं, और ये जो है प्रसाद के रूप में वितरित कर देते हैं, तो कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी सोच है कि आज जो है एक तरह का देखा जाए तो समाज सेवा की जिस तरह से एनजीओ का गठन इन्होंने किया है वाकई में प्रशंसनीय योग्य है। तो लगातार आप देखिए इन्वायरमेंट का, आप भी अपने घर में और अपने घर के आसपास और सड़कों पर, पार्कों में यदि जगह हो तो एक पेड़ ज़रूर आप महीने में लगा दिया करें। इससे गांव, देश, शहर का जिस तरह प्रदूषण को लेकर खात्मा करना है, और सरकार नहीं पूरा विश्व जो है, आज भारत ही नहीं पूरा विश्व आज परेशान है इन्वायरमेंट प्रदूषण को लेकर, तो इन्वायरमेंट सेव कीजिए और प्रदूषण को हटाइए, खात्मा कीजिए और पेड़ पौधे से आई लव यू कीजिए। तो लगातार हम आपको बने रहेंगे और आपको बताएंगे, सुनाएंगे भी, और जिस तरह से इनका प्रतिभा देखा गया या प्रशंसनीय योग्य है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। एक और रही है और संदेश जो देना है मैंने बाहर। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।